हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यहां पर किस तरीके से वॉलपेपर को ऑटो चेंज कैसे कर पाएंगे। तो हाउ टू चेंज ऑटो चेंज वॉलपेपर इन ओप्पो मोबाइल। तो आप अपने जो ओप्पो का मोबाइल होता है, सिंपली ऑटो चेंज वॉलपेपर कैसे कर पाएंगे। तो सिंपली वॉलपेपर को ऑटो चेंज करने के लिए सिंपली मोबाइल के सेटिंग करेंगे क्लिक, और क्लिक करते सामने जो आपके सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे सिंपली क्या करना है। तो जैसे आप यहाँ पे आ जाएंगे, तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आपके सामने जो ऑप्शन रहता है सिंपली देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करते सामने जो इसको ऑन करूँगा तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहता है सिंपली देख सकते हैं फ्रेंड्स, आ चुका है आपके सामने जो लॉक स्क्रीन मैगजीन का। तो सिंपली करेंगे क्लिक, और यहाँ पे जो ऑप्शन है लॉक स्क्रीन मैगजीन का, तो सिंपली अगर यहाँ पर अगर आपको ऑफ है तो सिंपली मैं यहाँ पे हटा लेता हूँ। यहाँ पे लॉक स्क्रीन मैगजीन पे क्लिक करके ऑन करूँगा तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स ऑटो अपडेट ऐप का ऑप्शन है, कई सारे ऑप्शन है सिंपली देख सकते हैं। यहाँ पे इसको क्लिक करके ऑन करना है, यहाँ से ऑन करेंगे तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ बैक, और बैक करने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ ऑफ। ऑफ करने के बाद इसको जैसे मैं ऑन करूँगा, जैसे मैं इसको इनेबल करता हूँ, मेरा यहाँ पे देखते हैं फोन वॉलपेपर कोई और सा है, यहाँ पे ऑटो चेंज मेरा वॉलपेपर हो रहा है, यहाँ पे अभी कोई और सा है। तो सिंपली इसको ऑफ करके ऑन करूँगा तो मेरा मैगजीन यहाँ पे चेंज हो जाए। तो बार बार यहाँ पे ऑटो चेंज वॉलपेपर यहाँ पे कर पाएंगे। तो इस तरह से इसको ऑन करने के बाद आपका ऑटो चेंज वॉलपेपर होता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह से आपने वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।